नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हर साल दीपोत्सव के अंतिम दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के और भी कई नाम हैं, जैसे भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया और कलम दवात पूजन आदि। ये पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर भोजन करवाती है और तिलक करती है। हालांकि इस दिन का संबंध यमदेव के साथ साथ उनके सहायक और देवगण के लेखपाल चित्रगुप्त महाराज से भी है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे भाई दूज से जुड़ी सभी कथाओं, प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे इस साल भाई दूज मनाने का क्या है शुभ मुहूर्त। इस विशेष दिन पर बहनें यमराज की पूजा करती हैं ताकि उनके भाई को जीवन में सफलता मिले और उनकी उम्र लंबी बनी रहे। भाई दूज मनाने के पीछे यमदेव और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है। आइए जानते हैं क्या है वो कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था, उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते यमराज अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वो कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया की तिथि पर उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी हिचक हुई, क्योंकि वो लोगों के प्राणों को हरते हैं, ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वो यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यमदेव को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आतिथ्य भाव के साथ उनकी सेवा करती हैं। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अपनी बहन का सेवा भाव देखकर यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर वो उनके घर आकर भोजन किया करें। यमदेव ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह की भेंट दी। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज मनाने की शुरू प्रथा हुई। वहीं इस दिन चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा का विधान है। यम द्वितीया को मनाया जाने वाला ये पर्व कलम दवात की पूजा के नाम से प्रचलित है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। चित्रगुप्त महाराज को देवगण का लेखपाल यानी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला माना गया है। इस दिन नई लेखनी या कलम की पूजा होती है। व्यापारी या कारोबारी वर्ग इसे नव वर्ष प्रारंभ के तौर पर भी देखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्यापारी वर्ग कलम से कागज पर अपनी सालाना आय लिखकर एक मंत्र के साथ वो कागज चित्रगुप्त महाराज के पास रख देते हैं। उसके बाद पूरी पूजा विधि अपनाई जाती है और आरती और विशेष प्रसाद के साथ ये चित्रगुप्त पूजा संपन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त महाराज को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी की काया से ही चित्रगुप्त का उद्भव होने के कारण उनको कायस्थ भी कहते हैं। चित्रगुप्त भगवान से ही कायस्थ वर्ग की उत्पत्ति हुई है। भगवान चित्रगुप्त को देवलोक धर्म अधिकारी भी कहा गया है। इसके साथ ही इनका संबंध लेखन कार्य से भी है। इसी कारण इस दिन कलम और दवात की भी पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त ज्ञान के देवता हैं। भगवान चित्रगुप्त को यमराज का सहायक देव माना जाता है। यमलोक के राजा यमराज को कर्मों के आधार पर जीव को दंड या मुक्ति देने में कोई समस्या ना हो, इसलिए चित्रगुप्त भगवान हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा लिखकर यमदेव के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। चित्रगुप्त पूजा करने से साहस, शौर्य, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यमराज की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे नर्क यातना का भय समाप्त हो जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट करती हैं। ऐसे काफी शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के विशेष अवसर पर जो भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उन्हें नारियल का गोला देती हैं, उनके भाइयों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि नारियल का गोला देने से भाई बहन के बीच का अटूट प्रेम हमेशा बना रहता है। इससे भाइयों की आयु भी लंबी होती है। यही कारण है कि इस दिन बहनों द्वारा भाइयों को नारियल दिया जाता है। मान्यता है कि यमदेव को विदा करते समय बहन यमुना ने उन्हें नारियल का गोला भेंट किया था। जब यमराज ने नारियल भेंट करने के पीछे की वजह पूछी तो यमुना ने कहा कि ये नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा, जिसके बाद से ही इस दिन नारियल देने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करेगा और जो भी बहन अपने भाई को घर बुलाकर भोजन कराएगी, उन्हें यमराज का भय नहीं सताएगा।
साथ ही इस दिन जो भी भाई बहन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाएंगे उन्हें यमराज के प्रकोप से छुटकारा भी मिलेगा। भाई दूज के दिन यमुना में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं उन उपायों पर जिनको भाई दूज पर करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। भाई दूज वाले दिन बहने भाई को अपने घर बुलाएं या फिर शाम के वक्त खुद ही उनके घर जाकर उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद सप्रेम अपने भाई को भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज पर तिलक से पहले भाइयों को यमुना नदी में स्नान करके यमुना मैया का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे माँ यमुना के भाई यमराज प्रसन्न होते हैं और भाई बहन को अभय दान का आशीर्वाद देते हैं। भाई दूज पर भाई के तिलक की थाली में सुपारी, सफेद चावल और चांदी का सिक्का होना जरूरी है। साथ ही भाई दूज वाले दिन किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भाई को तिलक लगाने के बाद उसे सूखा नारियल, मिश्री, सुपारी, काला चना और गिरी जरूर भेंट करें। भाई दूज पर भाइयों को पान का पत्ता भेंट करना भी शुभ माना जाता है। शाम के वक्त घर के बाहर यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाकर जरूर रखें। चलिए अब जान लेते हैं इस वर्ष भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास द्वितीया तिथि 2 नवंबर को रात 8:22 से 3 नवंबर को रात में 10:06 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 11:45 तक रहने वाला है। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।